नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली क्रिकेट इनकम में। फ्रेंड्स, आज IPL T20 में जो मुकाबला खेला जाना है वो पंजाब और हैदराबाद के बीच खेले जाने वाला है। पंजाब की जो टीम है वो पिछले अपने 3 मुकाबलों में से 2 को जीत कर आई है, और अगर बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद ने अपने पिछले 3 मुकाबले ही जीत लिए। तो दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बड़ा होगा और अपने जीत के इस क्रम को लय को दोनों ही टीमें बरकरार रखने की उम्मीद से आज मैदान पर उतरेंगी। तो जहाँ तक बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब की टीम ने ओपनर के तौर पर गेल और राहुल को पाकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं अगर बात करें सनराइज़र हैदराबाद की, तो सनराइज़र हैदराबाद की बॉलिंग सेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके सामने किसी भी टीम का टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं अगर हैदराबाद की बैटिंग सेक्शन की बात करें तो विलियम्सन और शिखर धवन काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और हर मैच में लगभग रन बना रहे हैं और अपनी टीम को जीत दिला रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा था, पंजाब की टीम ने पिछले मैच में गेल को खिलाया था और गेल ने बहुत ही अच्छा स्टार्टअप दिया था टीम को। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आज की जो प्लेइंग 11 हो सकती है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको डेली जो मैचेस होते हैं उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके प्लेयर भी ड्रीम 11 में मिस हो रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप हालाप्ले खेला करो। हालाप्ले में आप अपनी जो प्लेइंग 11 होती है वो आने के बाद भी अपनी टीम को एडिट कर सकते हो, यानी प्लेयर मिस होने का कोई चांस नहीं उठता है। इसके अगर प्लेयर मिस नहीं होगा तो हमारे जीते के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसका ज्वाइनिंग मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दिया है, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहां से ज्वाइन करते हैं मेरे रेफरल लिंक के थ्रू तो आपको 100 रुपये कैश बोनस फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा ड्रीम 11 की तरह ही एक ऐप है माई टीम 11 बहुत ही अच्छा ऐप है। ड्रीम 11 की तरह ही है बिल्कुल, सारी की लीग जो होती है वो सेम होती हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल जो है वो थोड़ा सा कम डाउन है वहाँ पर, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी खेल सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट ड्रीम 11 से आसानी से विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड उसका भी ज्वाइनिंग लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप ज्वाइन करते हैं मेरे रेफरल लिंक के थ्रू तो आपको 100 रुपये का कैश बोनस वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के देख लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 के पहले हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप पंजाब की प्लेइंग 11 की बात करें तो पंजाब की प्लेइंग 11 में देख सकते हैं ओपनिंग करते हुए आप सबको फिर से लोकेश राहुल और क्रिस गेल नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा मयंक अग्रवाल और जो फिंच का स्पॉट है थोड़ा सा रिस्की है फ्रेंड्स, फिंच क्योंकि आपको पता है दोनों मैच खिलाएगा और दोनों मैचों में ही 0 पे क्लीन बोल्ड हो गए, तो थोड़ा जो फिंच होंगे हमारे लिए रिस्की होंगे। लेकिन अगर बात करें वहीं ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग के लिए हमारे सबसे अच्छी चॉइस होंगे कैप्टन के लिए। तो अगर आप 5 से 6 टीमें बना रहे हैं तो फिंच को एक टीम में जरूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा बात करेगा युवराज सिंह की, युवराज सिंह हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था वो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जो इनके कैप्टन है अश्विन, उन्होंने कहा है कि वो आखिरी तक, भले ही युवराज सिंह बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें लेकिन वो आखिरी तक युवराज के साथ ही जाएंगे। यानी युवराज का जो स्पॉट है वो बिल्कुल फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाले। इसके अलावा अगर बात करें करुण नायर काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अश्विन खुद की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की अभी तक इस टूर्नामेंट में, और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी तारीफ लायक रहा है। इसके अलावा बात करें आंद्रे टाई और बरिंदर को पिछले मैच में खिलाया गया था अक्षर पटेल की जगह से, जो कि इंजरी के कारण को बाहर बैठना पड़ा था। अक्षर पटेल अच्छे ऑलराउंडर में से एक हैं जिनको पंजाब की टीम ने रिटेन किया था, मात्र एक खिलाड़ी ऐसे थे। तो वहीं अगर आज के मैच के लिए बात की जाए तो अक्षर पटेल का आज भी खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डाउट लग रहा है। तो आप बरिंदर सिंह को फिर से आज के मैच में मौका मिल सकता है, और मोहित शर्मा और मुजीबुर जलाधर। इसके अलावा अगर बात करें सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 में, तो शायद इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को ना मिले, क्योंकि मैच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हर मैच में सनराइजर की टीम। एक अच्छे विनिंग कॉम्बिनेशन साथ वो अपनी लय को बरकरार रखना चाहेंगी। तो इसमें देख सकते हैं जो सबसे चिंता का विषय है वो रिद्धिमान साहा की फॉर्म को लेकर है, क्योंकि रिद्धिमान साहा ने अभी तक किसी भी मैच में कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में भी आपको रिद्धिमान साहू ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शिखर धवन, विलियम्सन, मनीष पांडे, साकिब अल हसन, दीपक हुडा, यूसुफ पठान, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, सिद्धार्थ कौल और बिली शंकर। तो फ्रेंड्स ये टीम रहने वाली है अगर कोई मैच तक इंजरी नहीं होती है तो। तो अभी बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। टीम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, तो टीम की सबसे पहले देख लेते हैं टीम में जो हमारे लिए विकेट कीपर सेक्शन में बात करें तो विकेट कीपर में दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की दोनों ओपनिंग करते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात की है तो लोकेश राहुल की परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही अच्छी रही है, तो जाहिर सी बात है हम लोकेश राहुल के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ग्रैंड लीग में आप रिद्धिमान साहा को ट्राई करिएगा।
तो अगर बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर मैं 5 बॉलर बैट्समैन के साथ गया हुआ हूँ। तो 5 बैट्समैन में देख सकते हैं मैंने शिखर धवन और केन विलियमसन। इसके अलावा अगर बात करें तो क्रिस गेल, करुण नायर और मयंक अग्रवाल के साथ गया हुआ हूँ। आप चाहें तो करुण नायर की जगह या फिर मयंक अग्रवाल की जगह एरन फिंच को ट्राई कर सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो। इसके अलावा आप चाहें तो गेल की जगह पर भी एरन फिंच को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गेल ने पिछले मैच में मारा था, इसका ये मतलब नहीं वो हर मैच में मारेंगे रन। तो थोड़ा सा अगर आप टीम बना रहे हैं, 4-5 टीमों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक दो बड़े प्लेयर को छोड़ छोड़ के सभी टीमों में टीम बनाइएगा। इससे क्या होता है, अगर वो प्लेयर जिसको हम छोड़ते हैं वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो हमारे चांसेस जो होते हैं जीतने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अगर 3-4 टीमों के साथ जा रहे हैं तो किसी बड़े प्लेयर को ज़रूर मिस करके तब टीम बनाइएगा एक। वहीं अगर ऑलराउंडर में बात करें तो ऑलराउंडर में हमारे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। साकिब अल हसन हमारे लिए बेस्ट चॉइस होंगे ऑलराउंडर से। वहीं अगर बात करें तो स्टोनिक्स भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अच्छा प्लेयर खेलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। नबी को शायद ही मौका मिले किसी मैच में, अभी फिलहाल कोई चांस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा ब्रैथवेट का भी मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हैदराबाद की टीम ऑलरेडी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑलराउंडर में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं बचता है जिसको मौका दिया जाए। वहीं अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में देख सकते हैं हैदराबाद के जो बॉलर हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें आप मैंने भुवनेश्वर के साथ में गया हूँ, अंद्रे टाई के साथ गया हूँ, सिद्धार्थ कौल के साथ गया हूँ और अश्विन के साथ गया हूँ। यहाँ तो चाहें आप एक बैटिंग ऑर्डर से एक बैट्समैन कम करके एक बॉलर एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हैं, यानी 5 बॉलर के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो किसका बचता है, राशिद खान का बचता है। इसके अलावा संदीप शर्मा भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो बचते हैं हमारे पास मोहित शर्मा और जनाधर, ये दो ऑप्शन बहुत अच्छे बचते हैं, आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं टीम का ओवरव्यू। तो टीम के ओवरव्यू की बात करें तो देख, मैं 5 बैट्समैन के साथ गया हूँ, 4 बॉलर और 1 ऑलराउंडर के साथ गया हूँ। ऑलराउंडर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है तो हमें मजबूरन में साकिब हसन के साथ जाना पड़ रहा है। इसके अलावा स्टोनिक्स ही हमारे पास बचते हैं बस। तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन के लिए शायद हमारे लिए सबसे अच्छी चॉइस रहेंगे शिखर धवन, गेल और राहुल। इसके अलावा आप चाहें तो वाइस कैप्टन के लिए वाइस कैप्टन के लिए अगर बात करें तो साकिब अल हसन, अश्विन भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा विलियमसन, राहुल, गेल और शिखर धवन, ये 4 से 5 कॉम्बिनेशन जो बता रहा हूँ आप इन्हीं के साथ जाइएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग में एक टीम में फिंच को आप लेकर कैप्टन जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर वो अच्छा कुछ कर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट विन कर पा देंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने उनको आज अपनी टीम में लिया हुआ है, लगभग 16 से 17% लोगों ने। तो ये थी हमारे आज की एनालिसिस फ्रेंड। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह हर मैच की अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप अच्छा खासा अमाउंट विन करेंगे।